हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे STT-40 एक डेड प्रोजेक्ट से $830 मिलियन का IAF से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और कैसे HAL ने इस ट्रेनर को 10 साल में बनाकर ही 70 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हासिल किया। लेकिन इसे समझने के लिए आइए इससे पहले हम समझ लेते हैं कि IAF अपने पायलट्स की ट्रेनिंग किस तरीके से करवाता है और कितने स्टेजेस में करवाता है। तो सबसे पहले IAF की तरफ से इनिशियल ट्रेनिंग करवाया जाता है, जिसे माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट पेपिस्ट्रल वायरस में कंप्लीट करवाया जाता है। ये ट्विन सीटर सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट है, जिसके 72 यूनिट इंडियन एयरफोर्स, 12 यूनिट इंडियन नेवी और 110 यूनिट NCC द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ये स्टेज एवनीसियो ट्रेनिंग कहलाता है, जहां जीरो एक्सपीरियंस वाले पायलट को बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। फिर स्टेज वन की बारी आती है। पहले स्टेज वन HPT-32 दीपक की मदद से किया जाता था, जिसे HAL द्वारा 1977 में IAF और इंडियन नेवी के लिए स्टेज वन ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। वहीं स्टेज टू में किरण एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साल 2010 के आसपास HPT-32 दीपक के बहुत ज़्यादा पुराने होने के कारण इंडियन एयरफोर्स एक स्टेज वन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए RFI रिलीज की, और तब तक स्टेज वन और टू की ट्रेनिंग किरण एयरक्राफ्ट से ही कंप्लीट की जाती रही थी। वहीं इसके बाद जो एडवांस ट्रेनिंग है वो हॉफ ट्रेनर से की जाती है। तो अब यहाँ पर जो स्टेज वन की ट्रेनिंग के लिए न्यू एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट करने की नीड थी, तो STT-40 की स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। तो अब जब साल 2011 में IAF को अपने बेसिक प्रोपेलर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना था, तो उस टाइम HAL के पास अपने ही द्वारा बनाए गए HPT-32 दीपक का एक रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं था, जिससे IAF को एक फॉरेन वेंडर की तलाश करनी पड़ी थी। और ये तलाश पिलाटस PC-7 MK2 एयरक्राफ्ट पर जाकर रुकी थी, जो कि एक स्विस कंपनी है। और साल 2012 में ही IAF ने 75 PC-2 पिलाटस के ऑर्डर प्लेस कर दिए, और इसके बाद IAF और HAL के बीच में ब्लेम गेम स्टार्ट हो गए, जहां HAL का कहना था कि HAL ने साल 1999 में ही एक न्यू टर्बोप्रॉप ट्रेनर के लिए प्रपोजल दिया था, लेकिन इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। उसके बाद जब साल 2013 के फरवरी में फर्स्ट पिलाटस PC-7 MK2 की डिलीवरी स्टार्ट हुई, उसी वक्त एरो इंडिया शो भी था, और HAL ने उस एरो इंडिया शो में STT-40 के मॉकअप को डिस्प्ले किया। लेकिन उस टाइम पर इसे डेथ ब्लो माना गया, और उसी टाइम पे IAF की तरफ से एक फॉर्मल रिकमेंडेशन MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को STT-40 प्रोग्राम को बंद करने के लिए भी भेजा गया, यानी कि पार्सली ये STT-40 का बर्थ से पहले ही डेथ था, क्योंकि PC-7 पिलाटस ऑर्डर पर था। लेकिन HAL की टीम ने STT-40 को लाइफ सपोर्ट पर बनाए रखा और इसके डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करते गए। इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था कि IAF को टोटल 181 स्टेज वन बेसिक ट्रेनर की जरूरत थी, लेकिन अभी ऑर्डर 75 पिलाटस का ही दिया गया था। तो HAL को ये उम्मीद थी कि अगर वो इस एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द बना लेते हैं तो 100 के नंबर के आसपास का ऑर्डर उन्हें मिल सकता है। लेकिन साल 2015 में इमीडिएट ट्रेनर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए 38 PC-7 के फॉलो ऑन ऑर्डर को MOD ने क्लियरेंस दे दी, यानी कि अब ये लगभग कंफर्म हो गया था कि IAF अब सिर्फ 70 एयरक्राफ्ट के लिए एक दूसरा ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्यों ही एक्वायर करना चाहेगा। लेकिन HAL ने उस वक्त अपनी डेवलपमेंट को और ज़्यादा फास्ट कर दिया, और ये इतना फास्ट किया कि HAL ने फरवरी 2016 में इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया, और सिर्फ 3 मंथ यानी कि मई में ही STT-40 ने अपना फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट कर लिया। और HAL ने इस प्रोग्राम की बैकिंग अप के लिए उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर लेट मनोहर पार्रिकर सर की अटेंडेंस में पब्लिक फ्लाइट कंडक्ट करवाया, और मनोहर पार्रिकर सर ने सेल्फ रिलायंस के लिए इस प्रोजेक्ट की एग्रेसिव बैकिंग की। और फिर साल 2016 के सितंबर में IAF ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो STT-40 के ऑर्डर को लेकर विचार कर रहे हैं। उसके बाद साल 2017 में ही एक बार फिर से इसे एरो इंडिया में शो किया गया, और इसी साल के मई में सेकंड STT-40 ने अपने फर्स्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट किया। फिर जब इसके स्पिन ट्रायल की बारी आई, जो कि इसका सबसे क्रूशियल टेस्ट था, STT-40 ने सबके दिल जीत लिए। और फिर साल 2020 में MOD ने 106 STT-40 के प्रोक्योरमेंट के लिए क्लियरेंस दे दी, और PC-7 प्लेटस के मोर ऑर्डर के लिए डेथ जर्नी साइन कर दी गई। और उसके बाद एक बार फिर IAF ने साल 2021 में 70 टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट के लिए RFI जारी किया, और अब फाइनली 70 STT-40 की डील साइन कर ली गई है, और इसके फॉलो ऑन ऑर्डर में 36 ऑर्डर और दिए जाएंगे। तो ये थी जर्नी STT-40 के डेड टू ऑर्डरिंग 70 एयरक्राफ्ट की। इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड आर्टिकल लाइफिस्ट के वेबसाइट पर भी है, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।